हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ललका की रसोई कला। तो वीडियो देखकर आप समझ तो गए होंगे आज मैं आपके साथ कौन सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, लेकिन आप जिस तरीके से पोहा बनाते हैं ये रेसिपी उससे बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है और इसको खाकर आपको बहुत मजा भी आने वाला है और ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए हमें करना क्या है कि एक कप पोहे को 2 से 3 बार पानी से धुल लेना है और इसके बाद हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे एक मिक्सिंग बोल में और साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे पोहे में और आगे की प्रोसेस में हम एक भगोने में पानी लेंगे और इसमें जब एक बॉयल आने लगेगा तो इसके ऊपर हम इसके बराबर की साइज की छन्नी रख देंगे, बस वही छन्नी जिसमें कि हम सब्जियां काटते हैं, और इसमें ट्रांसफर कर देंगे हम हल्दी वाले पोहे को और इसको हम हल्का सा चला देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। मैंने यहाँ पर 1 कप पोहे में लगभग 3/4 टीस्पून नमक डाला है। इसके बाद हम इसको एक बराबर की लिड से कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम पोहे को चला देंगे और हमें इसे तब तक चलाना है जब तक कि इसमें हल्दी का कलर बहुत अच्छे से ना आ जाए। हमें इसको चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चीनी। अगर आप मीठा ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसको मिक्स कर दें और इसको लिड से कवर कर दें। लगभग 1 मिनट में चीनी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो जाती है। अब इसको लिड को हम हटा देंगे और पोहे को चलाकर 1 मिनट के लिए इसी तरीके से खुला छोड़ देंगे जिससे पोहे में जो मॉइस्चर हो वो थोड़ा सा खत्म हो जाए। इसके बाद हम इसको ट्रांसफर करेंगे एक मिक्सिंग बोल में और अब हम इसमें करेंगे प्लेटिंग। तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले एक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी रोस्ट की हुई मूंगफली, मैंने यहाँ पर लगभग 1/2 कप मूंगफली ली है, एक चॉप किया हुआ बहुत छोटा सा टमाटर, एक बॉयल किया हुआ आलू, थोड़ी सी फ्रेश चॉप धनिया और 3 से 4 एकदम महीन महीन चॉप की हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च को आप यहाँ पर एकदम महीन चॉप कर लें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सारी चीजों को स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक और चीनी तो आप पहले से ही डाल चुके हैं। इसके बाद टेस्ट को और एनहेंस करने के लिए हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून चाट मसाला। चाट मसाले से इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है और इसको और भी टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दीराम की आलू की भुजिया। तो देखने में ये जितनी यम्मी लग रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।